इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में। एक दो एग्जांपल से मैं एक्यूरेसी और प्रिसिशन को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले वाला फिगर देखते हैं। इस पहले वाले फिगर में अगर आप देख रहे हैं, इस पहले वाले सिचुएशन में पहले मैं एक्यूरेसी को डिफाइन कर रहा हूँ। मान लीजिए एक सिस्टम है जिस सिस्टम के भीतर एक सर्कल है। इस सर्कल के भीतर आपको क्या करना है, हिट करना है, यहाँ पे निशाना लगाना है। तो पहली बार जब आपने निशाना लगाया तो आपने सर्कल के अंदर निशाना लगाया, दूसरी बार जब आपने निशाना लगाया तो आपने यहाँ पे निशाना लगाया, तीसरी बार जब आपने निशाना लगाया तो उस सर्कल के पास में आपने निशाना लगाया। तो पहली बार क्या था, जो आपका टारगेट थे, आप टारगेट के क्या हो, बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो यहाँ पे आप क्या एक्यूरेट हो, एक्यूरेट हो, हाँ आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इस समय आपकी अगर ये पहली सिचुएशन है इसमें आप बहुत एक्यूरेट है, ये दूसरी सिचुएशन है, ये तीसरी सिचुएशन है, इस वाली सिचुएशन में आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी एक्यूरेसी लेस है और कैसा है, एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा लेस है। और यहाँ पे क्या है, आपका एक्यूरेसी लेस तो है लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा लेस नहीं है। पहली वाली सिचुएशन में क्या है कि आपका जहाँ पे टारगेट था आपने टारगेट पे हिट किया है तो वो आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। पहली वाली सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो, जो आपका टारगेटेड वैल्यू है आपने टारगेट पे जाके मारा। इस वाली सिचुएशन में एक्यूरेसी कम है पर आपने टारगेट के लगभग पास मारा, लेकिन यहाँ पे टारगेट से आपने बहुत ज़्यादा दूर मारा। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज आपकी वैल्यू आ रही है वो आपकी एक्यूरेसी कहलाती, क्या कहलाती, एक्यूरेसी कहलाती है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ये सबसे कम एक्यूरेट है, ये बीच वाला है। तीन सिचुएशन मैंने बताई, एक्यूरेसी को समझते हैं एक और चीज़ से। मान लीजिए आपको क्रिकेट में आपके कोच ने कहा कि आपको 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्या करनी है, बॉलिंग करनी है, ये आपका टारगेट है। टारगेट क्या है कि आपको 145 किलोमीटर की स्पीड पे बॉलिंग करनी है। आपने तीन बॉलर इस्तेमाल किए, ए बी सी तीन बॉलर इस्तेमाल किया। पहले वाले ने 140 की स्पीड पे बॉल को फेंका, दूसरे वाले ने 135 की स्पीड पे फेंका और तीसरे वाले ने 130 की स्पीड पे बॉल को फेंका। टारगेट कितना है आपका, 145। तो मैं कहूँगा कि ए क्या है, ए वाला जो बॉलर है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से बहुत क्लोज उसकी वैल्यू है। और सी वाला सबसे कम एक्यूरेट है क्योंकि उसने जो बॉलिंग की है वो आपकी ट्रू वैल्यूज में उसकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये कहलाता है मेरा एक्यूरेसी। अब जो दूसरा टर्म आता है वो आता है मेरा एक्यूरेसी, मैंने आपको बताया। दूसरा टर्म जो आता है वो है आपका प्रिसिशन। प्रिसिशन होता है आपका डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसबिलिटी भी कहते हैं या रिपीटनेस भी कहते हैं, कितनी बार आपका डिग्री ऑफ रिपीटनेस हो रहा है। अब देखिए एक्यूरेसी और प्रिसिशन में, एक्यूरेसी तो बात हो रही है, अब प्रिसिशन पे बात करते हैं कि प्रिसिशन क्या हुआ। प्रिसिशन ये मेरा टारगेट है, ये सर्कल मेरा टारगेट है। मान लीजिए पहली सिचुएशन में आपने सर्कल के अंदर टारगेट किया और आपने चार बार टारगेट किया और चारों बार आपने क्या किया कि सेम, देखो आप एक्यूरेट, इस वाली सिचुएशन में आप एक्यूरेट बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि आप सर्कल के अंदर ही हिट कर रहे हो। और क्या आप प्रिसिसाइज हो, हाँ आप बहुत ज़्यादा प्रिसिसाइज हो क्योंकि आपकी चारों बार निशाना एक ही लगभग एक ही जगह पर निकल रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो आप और बहुत ज़्यादा आप क्या हो, प्रिसिसाइज हो। मान लीजिए आपने एक बार यहाँ पर हिट किया और दूसरी बार आपने यहाँ पर हिट किया, अगली बार आपने यहाँ पे हिट किया, ना तो आप क्या आप एक्यूरेट हैं, नहीं इस सिचुएशन में ना क्या आप एक्यूरेट हैं, नहीं आप इस सिचुएशन में एक्यूरेसी क्या है, नहीं है। और प्रिसिशन है, नहीं भाई ये प्रिसिशन भी नहीं है इस वाली सिचुएशन में क्योंकि अगर आप टारगेट के भीतर मारते तो आप एक्यूरेट होते और आपने क्या किया, आपका अगर जो निशाने लग भी रहे हर बार अलग लग रहे हैं, क्या निशाने रिपीट हो रहे, नहीं आप एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसिसाइज भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपने एक निशाना यहाँ पे मारा, आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कितने हैं, आप चार में से एक बार निशाने पे मार रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी तो कम है लेकिन आप लगभग पास मार रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रिसिसाइज हैं। मान लेते हैं कि आपको 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गेंद को फेंकना है 140 में और आपने बॉलिंग की है 139 पे 100
138 किलोमीटर पे, 136 किलोमीटर पे और 140 किलोमीटर की ये आपकी स्पीड है। ये आपका टारगेट था कि 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आपको बॉल को फेंकना है। पहली बार जब आपने फेंका, आपने 139 पे फेंका, फिर 139 पे, 136 पे, 140 पे। तो अगर एक्यूरेसी की बात करूं मैं, तो जब आपने 140 पे फेंका तो आप उस समय सबसे ज़्यादा एक्यूरेट थे और 136 पे आप सबसे कम एक्यूरेट थे। तो ये जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जब 140 पे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट के। लेकिन क्या ये डाटा प्रेसिसाइज है? हाँ, ये डाटा प्रेसिसाइज है। प्रेसिसाइज क्यों है? क्योंकि आपका क्या हो रहा है, जो रीडिंग्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, ऑलमोस्ट रिपीटेड सिचुएशन आ रही हैं। तो ये कहलाता है मेरा एक्यूरेसी और प्रिसिशन।